हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एसएससी जीडी की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है, वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप सभी को बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट मिल रही है। यहां पर आईटीबीपी की तरफ से रिसेंटली नोटिस जारी किया गया है कि जिसके संबंध में आप सभी को बताने वाला हूँ, जिसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो टेंशन बनी हुई है और एसएससी जीडी के रिजल्ट के को लेकर टेंशन बनी हुई है, वो टेंशन ख़त्म होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी की जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यह नोटिस किस प्रकार और कहां से मिलेगा वे भी आपको बताने वाला हूं। इससे पहले बता दूं कि देखो, एसएससी जीडी का रिजल्ट 372,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे, बाकी के विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कुछ अपनी गलती की वजह से फेल हो जाएंगे, लेकिन यहां पे रिजल्ट जो भी आए हिम्मत नहीं हारनी है और आगे के लिए तैयारी जारी रखनी है। 2025 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो 27/7/2024 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप सभी से अभी से तैयारी में जुट जाइएगा ताकि इस बार ज़रूर सिलेक्शन हो पाए। तैयारी करने के लिए आप रिसेंटली आईटीबीपी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जैसे कि मैं रेगुलर एक जानकारी प्रोवाइड कराता हूं कि आपके नोटिस जारी होंगे वे आईटीबीपी की तरफ से जारी होंगे, आपकी जो नोडल फोर्स की तरफ से जारी होंगे। आईटीबीपी में जो नोडल फोर्स ने नोटिस जारी कर दी है एसएससी के लिए और एसएससी जीडी के रिजल्ट जारी करने के संबंध में है कि ये आईटीबीपी अपनी एजेंसी बगैर ऑल प्रोसेसर ख़त्म होने वाला है, जल्द से जल्द जारी कर देगा। आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, जिसके लिए आईटीबीपी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है और एसएससी को नोटिस भेज दिया गया है और जल्द से आपका रिजल्ट जारी होगा। आपको पता है कि फिजिकल के लिए 3 एजेंसियां तैयार की गई हैं और इसके बाद फिजिकल का प्रोसेसर जारी होगा। आईटीबीपी ने पहले से नोटिस में बताया हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आपका इस महीने से अगले जुलाई अगस्त तक आ जाना है, फिर आपका वो फिजिकल होगा, फिजिकल में 1-1.5 महीने लगेगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो